बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाइस व्यूअर्स, जितने फार्मर मुझे देखने वाले हैं, आज 14 दिसंबर है और मैं फिश मार्केट हूँ। अजीत जो फिश मार्केट है जहाँ पे तमाम फार्मर अपनी मछली लेकर आते हैं, तो मैं भी आया हूँ आज अपनी मछली लेकर। 5 एकड़ का जो आखिरी फार्म था, जो मेरा आखिरी तालाब था, उसमें से मछली हार्वेस्ट हो रही है मेरे तालाब की। तो जो मेरे तालाब की मछली है वो ये पड़ी हुई आप देख सकते हैं। और माजरत व्यूवर्स के लिए जो जो इधर जितने, क्योंकि शोर की आवाज़ बहुत है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ वाले हैं बैठे हुए जो कि बर्फ़ की मशीन चलती है। और अभी आगे जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मछली जो है मेरी 5 एकड़ से निकली है। और अभी आज मंडी में बहुत सारी मछली आई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं कितनी मछली आई है और आज मछली की तादाद ज़्यादा है। देखते हैं कि आज रेट कैसा लगता है। और मछली आज आई भी बड़ी है, बड़े साइज़ में आई है, काफ़ी लोगों की बड़े साइज़ में आई है मछली, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें सिंगाड़ा, ये कम से कम 3-3 किलो 4-4 किलो का सिंगाड़ा है। ग्रास 5 किलो का भी आया है, ये जो ग्रास आप देख रहे हैं 5 किलो का है। सिल्वर बहुत ज़्यादा तादाद में आया है, मुराखी आई है, मुराखी भी बहुत ज़्यादा तादाद में आई है। तो इसी तरीके से आज मंगरा मछली, जिसे केट फिश बोलते हैं, यहाँ के लोग लोकल ज़बान में मंगरा मछली बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं मंगरा मछली भी आई है। इसका भी रेट हो सकेगा इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा कि मंगरा कितने में गई। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको रेट के बारे में बताऊँगा, फार्मर्स को अपडेट हो जाएगी रेट प्राइस। आज 14 दिसंबर 2022 है और ये देख सकते हैं बहुत मछली आई है। दहिया भी बहुत आया है, जो वाइल्ड फिश होती है दहिया, ये देखें बड़े बड़े साइज़ में आज मछली आई है। सोल आया है, सिंगाड़ा आया है, थेली गुलफाम सारी मछलियाँ आई हैं। और ये देख सकते हैं दहिया पूरा एक सुजुकी पूरी दही की आई है, देख सकते हैं ये कम से कम 10 मन से ऊपर है। ये देख सकते हैं मंडी भरी हुई है, सीज़न जैसा कि लोगों को पता है सर्दी शुरू हो गई है और लोग अपने सीज़न की रूटीन है, ये सर्दियों में लोग मछली को हार्वेस्ट करते हैं अपने फार्म में से। तो आप ये देख सकते हैं सिल्वर का साइज़। मैं अलोसेनी फिश कार्नल आलू के पास आया हूँ। अब ये देखें कितनी ढेरियाँ लगी हुई हैं सारी 20-20 किलो की। आज तमाम नस्ल की मछली आई हुई है और हर किस्म की मछली है। ये कराची की सबसे बड़ी गुलशन अदीत में मीठे पानी की मछली की मार्केट है, जो कि नेशनल हाईवे पे, आप ये देख सकते हैं नेशनल हाईवे जा रहा है, जो कि ठट्टा को रोड जाता है, ठट्टा टू कराची वाला रोड है, गुलशन अदीत की तरफ, गुलशन अदीत उस तरफ गुलशन अदीत है, गुलशन अदीत का दरअसल लास्ट एरिया है ये, वैसे इस तरफ गुलशन अदीत को रास्ता जाता है और ये गुलशन अदीत के अपोजिट है बिल्कुल। ये देखें इधर जिस तरीके से मछली पहले वज़न की जाती है, अब वो देखें सिल्वर का दाना। अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि ये 20 किलो का फतर रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है और अब तक 6 दाने रखे हैं और इसका वज़न आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी साइज़ की मछली बहुत आई हुई है। ये 8 हो गई, ये 10 दाने, अब 10 दाने 20 किलो के तो हिसाब लगा लें, 9 दाने बल्कि 9 दाने 20 किलो के तो आप हिसाब लगा सकते हैं, बड़े साइज़ की मछली काफ़ी आई है। ये मेरे फार्म से हार्वेस्ट हुई है आज सिल्वर। ये देखें चांटी हो रही है सिल्वर की, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि ये कपड़ों पे नीचे से जो ये पानी है कीचड़ ये लग जाता है। तो ये देखें ये मछली मेरे फार्म की आई हुई है, ये चांटी होती है, पहले चांटी पहले करते हैं, फिर इसके बाद जो बड़े साइज़ की मछली होती है पहले उसका वज़न करते हैं इस तरीके से, फिर इस तरीके से ढेरियाँ लग जाती हैं और ढेरियाँ लगने के बाद इनके ऊपर पर्चियाँ लगी होती हैं, देखिए ये कितने किलो की है। अब ये देखें 23.5 किलो की लगी हुई है, ये 7 किलो से ये दो दाने जो हैं 7 किलो के हैं, एक दाना 3 किलो से 3.5 किलो का हो गया, आप देख सकते हैं 3 किलो का ढेरी है। और इस तरीके से ये मंडी में इस तरह इस हाल है। ये अलोसेनी फिश कार्नल वाले हैं, ये नाजिम साहब बैठे हुए हैं, ये इस मंडी के ओनर हैं, यहाँ के व्यापारी भी आए हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, सिल्वर के ये आप देख रहे हैं बिलाल पठान, ये सिल्वर के व्यापारी हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं रेट अपडेट करूँगा, तो मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको मालूमात मिल सके मछली मंडी में कि आज का क्या रेट चल रहा है। लिहाजा अभी तक की सूरत हाल यही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।